एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते भारत में सेंटर और स्टेट के बीच पावर को चार लिस्ट में बांटा गया है। फर्स्ट लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है उसे यूनियन लिस्ट कहा गया है। इसमें टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डिफेंस, वार एंड पीस, करेंसी, ETC। सेकंड लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है उसे स्टेट लिस्ट कहा गया है। इसमें प्रेजेंट में टोटल 61 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर, लीकर, पुलिस, ETC। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, उसे कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, जैसे एजुकेशन, मैरिज, इलेक्ट्रिसिटी, ETC। लेकिन कंस्टिट्यूशन बनने के बाद भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आए, जैसे IT, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इन सब के लिए हमारे कंस्टिट्यूशन में एक रेसिडुअरी लिस्ट है जिसमें हम इन्फिनिटी सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं और उस पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी।